गाड़ी में 5,000 रुपए रखे थे कहाँ गए? साहब मुझे नहीं पता। नहीं पता? ये पैसे देख के नियत खराब कर ली? साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतने सालों से आपके लिए काम कर रहा हूँ साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। लिए नहीं, तूने चुराए। साहब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? साहब मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। सच सच बता दे वरना नौकरी से हाथ धो बैठेगा। साहब आप मेरी बात का भरोसा करिए, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। नहीं लिए ना, तो चल निकल यहाँ से, निकल, और कल से काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब आप इतनी सी बात में मुझे काम से क्यों निकाल लो? साहब मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। साहब मैं ही कमाने वाला हूँ घर पे इकलौता। मैंने सोचा था कि चलो त्योहार का टाइम है, आज तुझे सैलरी दूंगा, लेकिन अब मैं तुझे सैलरी भी देने वाला नहीं, समझे? साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करिए। साहब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा? साहब चल चल निकल यहाँ से, अगर ज्यादा दबान लाई ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझे? चल निकल निकल, भिख मांगा। हेलो साहब, ठीक है साहब मैं अभी आता हूँ। साहब आपने मुझे बुलाया था। मुकेश, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने आप पर। क्या हुआ साहब? दरअसल तुमने पैसे चुराए नहीं थे, पैसे मुझे मिल गए। क्या? पर कैसे साहब? Excuse me, sir. ये आपके पैसे। मेरे पैसे? जी, वो आपकी गाड़ी के पास गिर गए थे, तो मुझे लगा शायद आप ही के होंगे। Thank you. You're welcome. आप गिन लीजिए, पूरे 5,000 है ना? ये मैंने क्या किया? ये पैसे तो मेरी जेब में ही है, ये मेरे पैसे नहीं है। क्या मतलब ये मेरे पैसे नहीं है तो फिर आप मुझे क्यों दे रही हैं? वो एक्चुअली सर, मैंने वहाँ खड़े होकर सब सुन लिया था, आप अपने ड्राइवर को किस तरह से डांट रहे थे, और 5,000 के लिए आपने उसे नौकरी से निकाल दिया, तो मैंने सोचा कि मैं वो 5,000 आपको दे दूंगी। अब इतनी बड़ी रकम थोड़ी है, शायद उसकी नौकरी बच जाए बस। क्या जी? वो गरीब आदमी वैसे ही बहुत परेशान होता है सर, और अगर आप उसे नौकरी से निकाल दोगे ना तो उसकी परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी, तो मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। एक अनजान के लिए तुम इतना क्यों सोच रही हो? अब सर, एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के बारे में सोचेगा ना, वरना कौन सोचेगा? जरा रुकिए, मैं उसको वापस बुलाता हूँ। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, एक अनजान होके भी आज आपने मेरी कितनी बड़ी मदद करी। और साहब जो मुझे जानते हैं फिर भी उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं था, मुझे उन्होंने काम से निकाल दिया। मैडम आज आपने जो मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुकेश, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन आज के बाद मैं वादा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करूँगा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। हाँ, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास ही नौकरी करोगे। सच में साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.